ईश्वर का प्रेम दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए आज साधारण समय का सोलह रविवार है परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें आज के पाठों का सारांश पहला पाठ परमेश्वर ने स्वयं को न्याय और दया का परमेश्वर दिखाया है दूसरा पाठ पवित्र आत्मा हमारे लिए ईश्वर से मध्यस्थ करता है सुसमाचार पाठ ये स्वर्ग के राज्य के बारे में दृष्टांत प्रस्तुत करता है और उन्हें अपने शिष्यों को समझाता है आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है पाठ हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि उनके ईश्वर के अलावा कोई अन्य ईश्वर नहीं था जिसकी देखभाल सभी मनुष्यों के लिए थी और वह सभी का न्याय पूर्वक न्याय करता था उनकी शक्ति धार्मिकता का स्रोत थी यह ईश्वर दयालु कृपालु क्षमाशील और सभी से प्रेम करने वाला था दूसरा पाठ रोम के लोगों को लिखे संत पौलुस के पत्र से लिया गया है उसने उनसे कहा कि पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में मदद करता है कभी कभी हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए परंतु आत्मा स्वयं हमारे लिए मध्यस्थ करता है ईश्वर जो मनुष्यों के हृदयों को जांचता है वह जानता है कि आत्मा का मन क्या है क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संतों के लिए विनती करता है सुसमाचार में हम देखते हैं कि कैसे यीशु दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा दे रहा है आज के दृष्टांत हमें स्वर्ग के राज्य की दोहरी वास्तविकता के प्रति सचेत करते हैं स्वर्ग के राज्य की शुरुआत इसी दुनिया में पाई जा सकती है स्वर्ग के राज्य का फल अंतिम न्याय तक साकार नहीं होगा स्वर्ग के राज्य की प्रगति का आकलन करने का कोई भी प्रयास समय पूर्व है केवल ईश्वर ही अंतिम निर्णय तक स्वर्ग के राज्य के फल को अलग करेगा और उसका प्रतिफल प्रदान करेगा दूसरा और तीसरा दृष्टांत हमारा ध्यान उस प्रचुरता की ओर आकर्षित करता है जो स्वर्ग के राज्य की छोटी शुरुआत से उत्पन्न होगी जिस तरह सरसों का बीज सभी बीजों में सबसे छोटा एक बड़ी झाड़ी बन जाएगा उसी तरह ईश्वर भी अपने राज्य को पूर्ण रूप से खिलेंगे जैसे थोड़ी सी मात्रा में खमीर पूरी रोटी को खमीर बना देगा वैसे ही परमेश्वर अपने राज्य को विस्तार करेगा बीज बोने वाले के दृष्टांत में हमें दूसरों का न्याय करने के प्रति चेतावनी दी गई है समय से पहले घास पूस का न्याय करना और उखाड़ना गेहूं को नुकसान पहुँचाएगा अंतिम निर्णय ईश्वर पर निर्भर है सरसों के बीज और खमीर के दृष्टांतों में हमें इस संदेश से सांत्वना मिलती है कि ईश्वर चमत्कार कर सकते हैं और स्वर के राज्य की सबसे छोटी शुरुआत से भी प्रचुरता उत्पन्न कर सकते हैं प्रार्थना हे प्रभु यीशु खुरीस्त आप हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहे हैं पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने में हमारी सहायता करें ताकि हम आपकी शांति और आनंद के राज्य में प्रवेश कर सकें जिसका कोई अंत नहीं होगा आम